टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चयनकर्ताओं ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बेहद ही संतुलित टीम चुनी है। इसमें अनुभव और युवा जोश दोनों ही तरजीह दी गई है। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम इंडिया में वापसी हुई है। धोनी की वापसी बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि मेंटर के तौर पे हुई है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम के अलावा चयनकर्ताओं ने धोनी को मेंटर घोषित किया है। धोनी को बीसीसीआई ने मेंटर क्यों बनाया है, क्या है बीसीसीआई का प्लान, ये सवाल हर क्रिकेट फैन के जहन में उठ रहा होगा। वैसे आपको बता दें कि धोनी को मेंटर बनाने के पीछे पूरी तरह बीसीसीआई का हाथ है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने धोनी से मेंटर की भूमिका पर बातचीत की है। टीम के ऐलान के बाद जय शाह ने बताया कि मैंने धोनी से दुबई में बात की थी, वो टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटर बनने के लिए तैयार हैं, वो हमारे फैसले से राजी हैं। मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवि शास्त्री से भी इस मुद्दे पर बातचीत की, वो भी इससे सहमत हैं। धोनी क्या टीम इंडिया के कोच बनेंगे? बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद हेड कोच रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रवि शास्त्री अपनी भूमिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ के कोच बनने की चर्चाएं थी, लेकिन उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ का पद एक बार फिर से संभाल लिया है। अब धोनी को टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का मेंटर बनाया गया है। क्या धोनी को आगे टीम इंडिया की कोचिंग भी दी जा सकती है? धोनी जिस तरह के शख्स हैं उसे देखकर ये मुश्किल ही नजर आता है, लेकिन दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता है। धोनी आगे टीम इंडिया के हेड कोच भी नजर आए। फिलहाल धोनी के सामने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की चुनौती है। उम्मीद है कि उनका अनुभव भारतीय टीम को चैंपियन बनाएगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।